अजमेर शहर में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक। शहर में रामनगर पंचोली चौराहे स्थित नाकोड़ा कॉलोनी में बंदरों का जबरदस्त आतंक। इन बंदरों के कारण क्षेत्रवासियों का जीना मुहाल हो गया है। सोमवार को एक बंदर ने घर में बैठी महिला पर हमला कर दिया। नगर निगम में लगातार शिकायत देने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं किए जाने से क्षेत्रवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। इस क्षेत्र में रहने वाले SP कटारिया ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी रेखा कटारिया सोमवार को अपने घर के बरामदे में बैठकर काम कर रही थी। इसी दौरान एक बंदर आया और उन पर हमला कर दिया। बंदर के पीछे से आकर उनके बाल पकड़े और जोर से खींचने लगा। महिला दर्द से डर रही और सहम गई। उन्होंने चीखते हुए परिजनों को मदद के लिए पुकारा। परिजन के आने पर बंदर भाग गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कॉलोनी में दिन रात बंदर घूमते रहते हैं। ये घरों में आकर लोगों पर हमला कर देते हैं। वहीं छतों पर बरामदों में रखे सामान को तोड़फोड़ कर देते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के सामान छीन कर ले जाते हैं। इसी के साथ बंदरों से जीना हराम हो रखा है। क्षेत्रवासी आए दिन इन बंदरों से परेशान है। बंदरों को पकड़ने के लिए नगर निगम में लिखित और पोर्टल पर भी शिकायत दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगवा रखा है, लेकिन बंदर उसमें